Hi, welcome back to my channel, Be Stylish Fam. आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे. जो लोग नए हैं प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन जो सब्सक्राइब बटन की साइड में है ताकि आप लोगों को मेरे कोई वीडियो का अपडेट मिस ना हो. सो आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ. सो आज का वीडियो है जो कि मैं नायका हॉल के वक्त की लाई थी, एसेंशियल ऑयल जो कि है रोजमेरी का, नायका रोजमेरी एसेंशियल ऑयल. सो ये मैंने लास्ट टाइम अपने फेस पे कैसे यूज करते हैं आप लोगों को दिखाया था. नॉट एग्जैक्टली, जस्ट आई हैव अप्लाई इट ऑन माई फेस और आप लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं अपने फेस के ऊपर वो भी मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी. एंड प्लस अपने हेयर्स में कैसे यूज करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी. सो ज्यादा वक्त जाहिर ना करते हुए, क्या आप लोग के बाल झड़ते हैं, क्या आप लोग के बाल में डैंड्रफ है? सो अगर है तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पे आए क्योंकि आज मैं जो दिखाने वाली हूँ सो आप लोग ये ट्राई कीजिए. एक दिन में तो रिजल्ट मिलने वाला है, कभी भी एक दिन का सोल्यूशन इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन आई थिंक. सो जस्ट आप अपने काम करते जाइए, आपको जरूर आपका फल मिल जाएगा. सो पहले क्या करना है आप लोगों को, जस्ट कोकोनट ऑयल लेना है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं. ओके, फिर इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी नायका का रोजमेरी एसेंशियल ऑयल. सो आप लोग को जस्ट दो से तीन ड्रॉप ही अप्लाई करना है. सो इसके साथ एक ड्रॉपर भी आता है जो कि आप लोग को मेजरमेंट करने में हेल्प करेंगे. सो यस, ओके, सो मैंने ले लिया है. सो इसमें दो से तीन ड्रॉप मिला देती हूँ. ओके, आई एम डन. सो मिलाने के बाद इसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए, फिर अपने स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए. इसका स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. सो ये आप अपने फेस में भी अप्लाई कर सकते हैं जो कि मैं दिखाने वाली हूँ, लेकिन मेक श्योर प्ले कीजिएगा कि आप अपने आंखों के सामने अप्लाई ना करें. सो अच्छे से मैं अपने हेयर्स पे लगा देती हूँ ये. नीचे हिस्से में भी लगाना ना भूले क्योंकि जो दो मुंह बाल रहते हैं उसको भी रिमूव करने के लिए हेल्प करता है. तो ये अपने बालों को टक कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपने फेस पे कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है. जैसे कि मैंने बताया था हेयर्स में भी मैंने अप्लाई करना दिखा दिया, तो नेक्स्ट स्टेप है अपने फेस पे आप लोग कैसे कैसे यूज कर सकते हैं. आप लोग मॉइस्चराइजर के साथ भी आप लोग ये एसेंशियल ऑयल मिक्स कर सकते हैं. आप लोग ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, मॉइस्चराइजर के भी साथ अप्लाई कर सकते हैं. एंड जो मैं दिखाने वाली हूँ एक फेस मास्क, तो ये कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं. सो एक बाउल लेना है पहले और उसमें हम लोग ऐड करेंगे पहले हनी. जितने अमाउंट में चाहिए ज़्यादा नहीं लेना है, जस्ट थोड़ा सा लेना है आप लोग को. लेने के बाद उसके बाद मैं इसमें दो से तीन ड्रॉप एसेंशियल ऑयल ऐड कर दूंगी. बस हो गया. ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्सर को मिक्स करने के बाद पैन गिर गया. तो अच्छे से अपने इसको अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है. एंड मेक श्योर कीजिएगा आप लोग के आंखों के सामने ना लगाइए क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. ये आप लोग अच्छे से ग्लोई स्किन देख पाएंगे. बॉडी स्क्रब इसके साथ आप सुगर भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये एक स्क्रबर की तरह एक काम कर सके. इसके साथ भी आप एसेंशियल ऑयल ऐड कर सकते हैं. सो ये आपकी स्किन को स्मूथ बनाने में भी हेल्प करेंगे. सो यस, तो ये मैं अपना बाल धोने के बाद तो आप लोगों को एक घंटा बाद ही आप लोग के हेयर को वॉश कर लेना है. फिर एक घंटा या फिर एक घंटा से ज़्यादा भी आप लोग रख सकते हैं, बट एक घंटा इज अनफ. सो उसके बाद आप लोग हेयर वॉश कर लीजिए. एंड ये फेस आप लोग 20-30 मिनट तक आप लोग रख सकते हैं, उसके बाद आप लोग वॉश कर लीजिएगा. एंड यस, अपने हेयर को वॉश करने के बाद फिर मैं आप लोग के साथ मिलती हूँ. तब तक के लिए सो हे गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अपना बाल धो के आई हूँ. सो यस, हेयर इट इज़. ये काफ़ी स्मूथ हो गया है एंड बहुत ही सॉफ्ट हो गया है. सो आप लोग एक चीज़ याद रखिए, हमेशा बाल धोने के बाद तुरंत ही कंघी यूज़ मत कीजिएगा. जब भी आप लोगों का बाल सूख जाए तब कंघी यूज़ कीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा बाल झड़ जाएंगे आप लोगों का. सो आई होप आप लोग एनियस आप लोग देख सकते हैं मेरा स्किन कितना ग्लो कर रहा है. सो आप लोग ये ऑयलिंग आप लोग हफ्ते में 2 से 4 बार कर ही सकते हैं. इट्स वेरी गुड फॉर योर हेयर्स क्योंकि जैसे हम लोगों को जैसे हम लोगों को हेल्दी रहने के लिए फूड की जरूरत होती है, वैसे बालों को भी फूड की जरूरत होती है. एंड बालों को फूड होता है ऑयल जो कि आप लोगों के स्कैल्प को एक हेल्दी
बनाता है एंड कोई डैंड्रफ भी नहीं आता है एंड हेयर फॉल भी बहुत एंड बाल झड़ना भी बहुत कम हो जाता है. सो डू टेक केयर ऑफ योर हेयर्स एंड स्किन बाय यूजिंग दिस नाइकास रोजमेरी ऑयल और एनी नाइकास के बहुत सारे एसेंशियल ऑयल मिलते हैं, आप लोग वो भी ट्राई कर सकते हैं. जैसे कि मैं रोजमेरी का ऑयल लाई हूँ, सो मैंने ये अप्लाई करके देखा तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे रहा है अब तक जो मैं देख रही हूँ. यू कैन सी माई स्किन, मैंने कुछ भी मेकअप यूज़ नहीं किया, आप लोग को आई थिंक देख के लग रहा होगा. सो यस, मैंने जस्ट वो मिक्सचर अप्लाई किया था एंड जस्ट मैं अभी धो के, अभी नहीं आई मीन 30 मिनट्स पहले धो लिया था एंड ये अभी एक घंटा होने के बाद मैंने धो लिया. तो आप लोग चाहे तो एक दिन कंप्लीटली रख सकते हैं या फिर पहले भी धो सकते हैं, दैट्स ओनली योर विश. एंड यस, आज के लिए बस इतना ही. अगर आप लोग को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा तो डू गिव मी अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट द कमेंट सेक्शन आप लोग को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा. एंड यस, दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय गाइस.